अस्सलामु अलैकुम। मेरी तरफ से आप सभी को रमजान बहुत बहुत मुबारक। माहे रमजान में सैरी, इफ्तारी और तरावी का सिलसिला एक महीने तक चलेगा, पर लॉकडाउन तो अभी जारी है और लॉकडाउन में हर तरह की सोशल, रिलीजियस और एक्सटेंडेड फैमिली गैदरिंग की मनाही है, क्योंकि इससे कोरोना वायरस फैलने का बहुत ज्यादा खतरा है। लॉकडाउन में हम सबको अपने अपने घरों में ही रहना है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स हमें बार बार यही सलाह दे रहे हैं। लॉकडाउन की पाबंदी सैरी, इफ्तारी और तरावी पर भी लागू होती है, इसलिए बेहतर होगा कि इन सारी चीजों का इंतजाम हम अपने अपने घरों में ही करें, ना कि बिल्डिंग की छत पर या कंपाउंड में या कोई भी ऐसी जगह पे जहां हमारे साथ दूसरे लोग भी शामिल हों। लॉकडाउन के जारी रहने तक रमजान का एहतमाम हम अपनी फैमिली, जो कि हमारे साथ हमारे घर में ही रहते हैं, सिर्फ उनके साथ करें तो बहुत बेहतर होगा। हुकूमत के कानून की पाबंदी हमारी शराय और इखलाकी जिम्मेदारी है, खासकर उस वक्त जब हुकूमत के कानून हमारी हिफाजत के लिए लागू किए जा रहे हैं। रमजान के इस महीने में जितना हो सके इस्तगफार, दरूद शरीफ और कुरान शरीफ की तिलावत करें, लेकिन अपने घर से ही। रमजान का महीना साल में एक ही बार आता है। चलो सब मिलकर दुआ करते हैं ताकि अल्लाह हमें इस मुश्किल घड़ी से जल्द निजात दे। एक बार फिर आप सभी को मेरी तरफ से रमजान मुबारक।